सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अरिजीत सिंह का स्केच पूरा चारकोल से, पूरी सॉफ्ट चारकोल का यूज़ करके हम इसको बनाएंगे पूरा, मतलब इसके कर्ली हेयर्स पूरा। और हम यूज़ करेंगे इस इरेजर को, ये जो 20 रुपये का मिल जाता है मार्केट में। हमारे पास अभी टोम्बो मोनो इरेजर नहीं है, तो हम इसका यूज़ करके हम हाईलाइट्स देंगे और देखेंगे दे पाते हैं या नहीं। सुलेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया इसे चारकोल से शेड करना और अच्छा चल रहा है अभी तक, तो देखते हैं कैसा बन पाता है। पूरा चारकोल से ड्रॉ करेंगे जैसे हमने शिवाजी महाराज को करा था। ये आईब्रो डन हो चुकी है अब इसकी, और ये सेकंड आई। बिल्कुल पेशेंस के साथ करेंगे तो बढ़िया ही बनेगा। और बैकग्राउंड के गाने को साइड कर देना आप, क्योंकि साइड में हो रही है पार्टी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अभी दे रहे हैं हम चारकोल पाउडर से ब्लेंडिंग, और चारकोल में यही फ़ायदा होता है, जब अगर आपने कहीं पे पूरा पूरा डार्क दिया है तो आप वहीं उसको भी ब्रश, उसके ऊपर ब्रश चला के साइड में कहीं और भी चला सकते हो। वही मैं देखो कर रहा हूँ इसके अंदर भी। मेरे चैनल पे आपको सारी रियलिटी ही मिलेगी, बिल्कुल हाई क्वालिटी वाली अभी नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सच सच में बात करेंगे हम कि अभी ये चल रहा है वो चल रहा है, बिल्कुल लो बजट सौरभ जोशी। यही एक ही ब्रश से हम बनाएंगे पूरी पोर्ट्रेट को। और ये क्या हो गया, हाँ वो थोड़ा कैमरा हिल गया था। और देखो यही चारकोल पाउडर जो मैंने सैंड पेपर पे लिखा था, बस उसका यूज़ करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और जैसे हम HB पेंसिल से फर्स्ट लेयर करते हैं, इसमें ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसके लिप्स, तो अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि बन क्या रहा है, पर जब इसकी बियर्ड और हेयर ड्रॉ हो जाएंगे तो समझ आने लग जाएगा क्या बन रहा है। चारकोल का ये भी फ़ायदा है, वो डायरेक्ट आपको 8B 10B का इफ़ेक्ट देती है, और उससे भी डार्क आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। काढ़ा चश्मा को अवॉइड कर देना। और ये थोड़ा मैंने जो इसका साइज़ था वो छोटा कर दिया वीडियो का, आपको बैकग्राउंड में वाइट वाइट दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे को ये पूरी फ़ोटो दिखानी थी पर वो पूरी फ़ोटो आ नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं नीडेड इरेजर का भी, जैसा कि आप देख ही रहे हो मैं अभी तक एक ही ब्रश का यूज़ करते आ रहा हूँ। और ब्लेंड हो चुका है, अब आपको लग ही रहा होगा। अब ये हेयर्स करेंगे हम पूरा ही ब्लैक कर देंगे पहले, तो फिर इस पे हाईलाइट देंगे हम उस इरेजर से जो हमने आपको दिखाया था 20 रुपये वाला सस्ता टोम्बो इरेजर। और अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लेना। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब एक अरिजीत सिंह का सॉन्ग लगा के मेरे को टैग करना, तो मुझे ये पता चलेगी कौन कौन देख रहा है मेरी ये वीडियो को यहाँ तक। सब मुझे टैग करना एक अरिजीत सिंह का इस पोस्ट को शेयर करते हुए अपनी स्टोरी में, और एक अरिजीत सिंह का रुलाता हुआ गाना लगा देना स्टोरी पर। तो चलो देखते हैं, कल 11 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। और ये देख लो मैंने हाईलाइट दे दिए और अच्छी आई है हाईलाइट, पर ज़्यादा वाइट स्टोन भी नहीं आई है, तो उसके लिए तो टोम्बो ही लेना पड़ेगा हमें, वो भी बहुत जल्द आएगा। पर जब तक आप ये देखो, और ये कैमलिन की ही पेंसिल से बना रहा हूँ मैं सॉफ्ट, ये कैमरे का फोकस थोड़ा नकली है तो अवॉइड भैया स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, पर वीडियो अवॉइड मत करना आप।
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई, नए हो तो बनता ही है। और अब तो बस पूरी पोर्ट्रेट कंप्लीट हो ही चुकी है, बस क्लोथ्स बचे हैं और वो भी कुछ ही क्षणों में पूरे होने वाले हैं, मतलब हो ही गए। इसका बनाएंगे हम अब अच्छा सा बैकग्राउंड, और आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें। और ये बैकग्राउंड बस बनने ही वाला है लगभग, अब लेफ्ट साइड रह गई इसकी, सॉरी लेफ्ट साइड भी बन गई है, और ये मेरे अरबों के साइन, इसकी स्क्रीनशॉट खींच के आप मेरे को इंस्टा पे टैग कर देना। और ये डन, चलो लाइक करो। तो गाइस पोर्ट्रेट ड्रॉ हो चुका है, और आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, और मुझे जितना बताया कि ये पोर्ट्रेट अच्छा ही बना है और आपको भी पसंद आएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं जल्दी कल आपसे एक नई पोर्ट्रेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।